दोस्तों वीडियो को आप पूरा देख लिए, आपको समझ में आ गया होगा ये अंजलि कुमारी है पेटिशनर सीबीटी क्वालिफाइड की, जो हम लोग पर केस की हुई है। और देखिए अर्चना और पंकज इनसे मिल गई है, मतलब सीबीटी क्वालिफाइड से मिल गई है। और इस दुदमुहा साहब से आप लोग केस जीतने की अपेक्षा करते हैं? ये लोग आपको केस जिता के देंगे। सिक्का में दो पहलू होती है, इनको चीट भी चाहिए और पट भी चाहिए, ठीक है? और इनसे आप अपेक्षा करते हैं? लाइव आके सुजी सर के बारे में क्या बता रहे थे, हमारे देवदत्त कामत सर के बारे में क्या बता रहे थे, जो 11 लाख के लोग वकील रखे हैं और हम लोग के जानबूझ के ये लोग केस हरा रहे हैं। याद रखिएगा, ये दुदमुहा साहब आपको कभी केस जिता के नहीं देगा, क्योंकि ये पेमेंट के लिए इतना गिर चुका है ना, पेमेंट के लिए इनको जिनसे मिलना होगा ना, ये दोनों उनसे मिलेंगे, ठीक है? इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ये लोग कभी आपको केस जिता के नहीं देगा, बस ये अपना फायदा देखता है। सुरजीत सर कभी देखे हैं जो पेमेंट के लिए किसी और से जाके मिल गए होंगे, सिंगल मैन से लेके अभी तक, ठीक है? 100% सुरजीत सर के बदौलत ही हम लोग ये भी केस जीतेंगे। और आज के डेट में आप लिख लीजिए जो सुरजीत सर के कारण ही हम लोग केस जीतेंगे सुप्रीम कोर्ट में। आज हम लोग को फर्स्ट जीत हो चुकी है और आप लोग इस दुदमुहा साहब से अपेक्षा करते हैं ये आपको केस जिता के देगा। अरे भाई, इसको सिर्फ फंडिंग चाहिए, फंडिंग के लिए जिनसे मिलना होगा ना, जिनका पैर पकड़ना होगा वो भी जाके लोग पकड़ेंगे, समझे? इसीलिए आप लोग परेशान आप लोग को नहीं होना है, 100% हम आप लोग को जो है केस जितवा के देंगे। सुरजीत सर के हम लोग जो है गाइडलाइन में केस लड़ रहे हैं, ठीक है? और सुरजीत सर आपको कल लाइव आके पूरी जानकारी बताएंगे, और अभी हम लाइव आते हैं तो आपके सारे सवाल के जवाब देने वाले हैं, ठीक है? यही जानकारी हम आपको देने वाले थे जो ये दुदमुहा साहब के कारनामा देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कारनामा किए हैं, और लाइव आके सुरजीत सर और हमारे देवदत्त कामत सर के बारे में क्या उल्टा सीधा बता रहे थे, 32,127 सैन्य बहनों को कैसे दिग्भ्रमित ये कर रहे थे, ठीक है? इसका सच्चाई, असली सच्चाई क्या है आप देख लीजिए आपके सामने, और आप लोग कमेंट करके बताइए जो ये लोग और पेमेंट के लिए कितना गिरेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए जो कौन सही और कौन गलत। थैंक यू।